शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप किस तरीके से परचेज की एंट्री करें। हमने अपनी लास्ट सेशन में आपको क्रिएट कंपनी के बारे में बताया था कि आप टैली में किस तरीके से कंपनी क्रिएट करोगे। तो अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आज के सेशन में सीखेंगे कि आप टैली के अंदर किस तरीके से परचेज की एंट्री करोगे। आज का टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको परचेज के साथ साथ उसकी रिपोर्ट निकालना और जो आप गलती करते हो परचेज करते वक्त वो सारी चीजों को आज हम आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए मैं यहाँ पर आपको अपनी कंप्यूटर विंडो दिखा रहा हूँ। आप इस पर टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करें। ओपन जब आप करें तो राइट क्लिक करके रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव करके ओपन करें ताकि जो आपका टैली ओपन हो उसको सारी परमिशन मिल जाए। ये हमारा टैली ओपन हो गया। टैली ओपन हो जाने के बाद आपके सामने जो विंडो आएगी वो विंडो होगी कंपनी इन्फो की। लेकिन आज हम पहले एक कंपनी बनाते हैं उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। इससे पहले हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी में जाएंगे। हम यहाँ से कंपनी क्रिएट में गए जैसे हमने अपने लास्ट सेशन में कवर किया था। इसके ऊपर अपनी कंपनी की डायरेक्टरी आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप टैली में कोई भी कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी डायरेक्टरी देखें कि कंपनी कौन से फोल्डर या फिर कौन सी ड्राइव से चल रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हो। अपने इच्छा के अनुसार जो भी आपसे फोल्डर या पाथ देना चाहते हैं आपको दे सकते हैं। लेकिन बस आपको ये याद होना चाहिए कि आपकी कंपनी कौन से फोल्डर और कौन से ड्राइव में बन रही है। इसके बाद नीचे टॉपिक आता है आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है आपको यहाँ पर वो नाम टाइप करना है। फिलहाल हम जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी हम परचेज करने जा रहे हैं अभी उस कंपनी का नाम है SS सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो यहाँ पर हम उस कंपनी का नाम टाइप कर देते हैं तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हम यहाँ पर डाल, जैसे हमारी कंपनी का नाम SS सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज तो हमने यहाँ से वो टाइप कर दिया। इसके बाद हमारा जो भी एड्रेस होगा वो टाइप कर देंगे, जैसे हमारा एड्रेस है 4/2890 हमारा एड्रेस हो गया। इसके बाद आप सभी को पता है हमारी कंट्री क्या है, हमने वो टाइप कर दी। स्टेट हमारा दिल्ली था, हमने दिल्ली टाइप कर दिया। और उसके बाद आता है पिन कोड, यहाँ से अपना पिन कोड टाइप कर दिया, टेलीफोन नंबर टाइप कर दिया। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाल दी। फैक्स नंबर, जो आपका फैक्स नंबर था आप वो ही टाइप कर दीजिए। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए एंड देन आपकी अगर वेबसाइट है तो कोई वेबसाइट टाइप कर दीजिए एंड देन आपका आता है फाइनेंशियल। अब जब भी आप किसी की भी कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, आप नया एक बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी कंपनी बना रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो उसका होता है फाइनेंशियल। तो आप यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल ईयर डालें तो वेरी केयरफुली डालें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो इस कंपनी में जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 है तो हम यहाँ से 2021 डालते हैं। मतलब हमने यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 लिख दिया और नीचे लिखा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम कि आप इसमें जो एंट्री करेंगे वो आप कब से करेंगे। तो हमने कहा कि हम जो इसमें एंट्री करेंगे वो भी हमारी सेम डेट होगी, उसमें हम 1/4/2020 से स्टार्ट करेंगे। और हमने एंटर एंटर मार के इस कंपनी को सेव कर, यहाँ से हमारी कंपनी सेव हो गई। कंपनी सेव हो जाने के बाद सबसे पहले आप डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। इसके अंदर आपकी कंपनी का नाम, वाउचर एंट्री, आपकी डेट क्या है, साथ साथ आपका पीरियड क्या चल रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन बेसिक होगी ये आपको गेटवे ऑफ टैली की विंडो पर मिल जाएगी। इसके बाद अगर हमें परचेज की एंट्री स्टार्ट करनी है तो हमें जानना होगा ट्रांजेक्शन के अंदर, और ट्रांजेक्शन के अंदर हमें मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने की जो शॉर्टकट की होती है वो वी होती है। तो आप यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर पे जाएं, आपने जैसे इस पे एंटर मारा तो आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट की दिखेगी, जैसे F4 से आपकी कॉन्ट्रा आती है, F6 से आपकी रिसीव्ड आती है, F7 से आपका जर्नल आता है, और F8 से आपकी सेल आती है, और F9 से आपकी परचेज आती है। फिलहाल आज के सेशन में हमें परचेज करनी है तो आप यहाँ से आप परचेज टाइप करें। मैंने यहाँ पर परचेज पर क्लिक करा। जैसे आपने परचेज पर क्लिक करा यहाँ से आपका सप्लाई इनवॉइस नंबर आ रहा है, यहाँ पर डेट आ रही है, तो आपका जो भी डेट होगी आपको यहाँ पर वो टाइप करनी है। फिलहाल हमारी कंपनी में जो परचेज हो रही है वो 1 अप्रैल
2020 की पहली एंट्री जिसका सप्लायर नंबर 1 है, तो हम यहाँ से वाउचर नंबर 1 टाइप कर देंगे। तारीख 1 अप्रैल थी तो हमने 1 अप्रैल डाल दी। अदरवाइज अगर आपको तारीख इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबा दें। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F2 दबाएंगे ये आपसे डेट की पूछेगा, तो आपको जो भी डेट डालनी है आप वो डेट डाल सकते हैं। लेकिन जब आप डेट डालेंगे तो उसमें एक बात याद रखना, आप डेट कुछ इस तरीके से भी डाल सकते हैं, जैसे आपने अप्रैल लिखा फिर आपने 1 लिखा तो इस तरीके से भी आ सकती है, जैसे 1 अप्रैल, तो आप इस तरीके से भी डाल सकते। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से डेट डालना चाहते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं 1+अप्रैल, आप इस तरीके से भी डेट डाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको डेट और मंथ टाइप करना है, ईयर वो अपने आप पिक कर देते हैं। जैसे अगर आप यहाँ जनवरी डालें F2 जनवरी डालेंगे वो ईयर अपने आप पिक कर लेगा, ठीक है। तो बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी मैं चाहे सेल करूं या मैं परचेज करूं उस समय मुझे डेट में खाली डे और मंथ डालना, वो ईयर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो मैंने यहाँ पर एंटर मारा। इसके बाद मुझसे पार्टी नेम पूछ रहा है, तो हमने इस केस में जिससे परचेज करी उसका नाम सुनील है, तो हम यहाँ पर सुनील टाइप करेंगे। लेकिन सर जब आप सुनील बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, टैली में कुछ भी क्रिएट करना हो, चाहे आप आइटम क्रिएट करना चाहते हो या आप टैली में पार्टी बनाना चाहते हो या कोई और सा लेजर आप टैली के अंदर क्रिएट करना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+C। आप अपनी कीबोर्ड से जैसे ही Alt+C बटन को प्रेस करेंगे आपके पास एक और विंडो आएगी जिसमें लिखा होगा लेजर क्रिएशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर उस बंदे का नाम डाल लोगे जिस बंदे को आप माल बेच रहे हो, तो हमारे केस में सुनील था तो हम यहाँ पर सुनील डाल देंगे। इसके बाद अगर इसका कोई छोटा नेम है तो आप एलियाज नेम टाइप कर सकते हैं। छोटा नेम ये होता है जैसे मान लो किसी कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, आप उसका कोई एलियाज नेम बनाना चाहते हैं, जैसे लाइक कोई छोटा नेम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आप जल्दी फाइंड आउट कर सके, तो आप उसका नेम एलियाज में डाल सकते हैं। इसके बाद आता है अंडर ग्रुप। सर आप इसको किस ग्रुप के अंडर रखना चाहते हो, तो आपको पता होगा जब भी हम किसी से उधार पर माल परचेज करते हैं तो उसके ग्रुप में हम लोग सन्डरी क्रेडिटर्स डालते हैं। सन्डरी क्रेडिटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पर कोई माल खरीदते हैं और जिनको हमें पैसा देना होता है, वो सब हमारे सन्डरी क्रेडिटर्स हैं। सपोज अगर आप लोगों से मैं कोई माल उधार पे खरीदूंगा तो मुझे उसको सन्डरी क्रेडिटर्स के अंदर डालना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे माल खरीदा है और मुझे आपको पैसा देना है, तो इसलिए हमने क्या ग्रुप में डालेंगे, सन्डरी क्रेडिटर्स। ये करने के बाद आपको ध्यान से मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल टॉपिक को नो करना है और उसके बाद एंटर मारकर इसको सेव कर देना है। तो जैसे एंटर मारकर आपने इसको सेव कर दिया, उसके बाद आपके पास एक और टॉपिक आएगा जिसका नाम है परचेज लेजर। लेकिन सर अगर सपोज दैट मुझे इसे शॉर्टकट की के थ्रू सेव करना है, तब तो सर क्या शॉर्टकट की है, Ctrl+A दबा दें तो ये डायरेक्ट सेव हो जाएगा। मतलब अगर आपको टैली में पार्टी क्रिएट करनी है या आइटम क्रिएट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+C, और टैली में अगर आपको कुछ भी सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। तो मैं यहाँ से Ctrl+A दबा देता हूँ। जैसे मैंने Ctrl+A दबाया वो सेव हो गया। इसके बाद नीचे एक टॉपिक आता है परचेज लेजर, कि जो आप परचेज की एंट्री कर रहे हो उसे किस लेजर के अंदर पोस्ट करनी है। तो आपको फर्स्ट टाइम टैली के अंदर आपको यहाँ से परचेज लेजर बनाना होता है। परचेज लेजर बनाने की शॉर्टकट की होती है Alt+C, जैसे हर चीज की शॉर्टकट की है। आप यहाँ से परचेज लिख देंगे, इसके बाद ग्रुप में इसे परचेज डाल देंगे और इस टॉपिक को जरूर अनेबल करेंगे जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। एंटर मार के इस टॉपिक को सेव कर देंगे। जैसे ही आप इस टॉपिक को सेव करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट विंडो आएगी उसमें आएगा नेम ऑफ आइटम, कि आप इससे कौन कौन सी आइटम है खरीद रहे हो। तो जो भी आप आइटम है खरीद रहे हो उसका नाम आप यहाँ टाइप कर दोगे। हमने इससे CD1 परचेज करी है तो हम यहाँ से CD1 टाइप करेंगे। इसे बनाने के लिए आप Alt+C दबाएंगे। अपने यहाँ से Alt+C दबाया, उसके बाद लिख दिया आपने CD1। ग्रुप में हमेशा आप प्राइमरी रखेंगे और इसका यूनिट, कि जो इसकी यूनिट है वो क्या है। अगर इसकी यूनिट पीस है तो आप पीस डाल दें, केजी है तो केजी डाल दें, अगर आप इसकी यूनिट मीटर है तो मीटर डाल दें। हमारे केस में जो इसकी यूनिट है वो पीस है तो हम Alt+C करेंगे और यहाँ पर इसका जो
प्रिंट नेम में उसे हम पीस डाल देंगे और फुल नेम में आप इसे पीसेस लिख सकते हैं। इसके बाद होता है नेचर ऑफ डेसिमल टू प्लेस, आप यहाँ पर टू डालते हैं। ऐसा हम इसलिए कर दें कि अगर कोई क्वांटिटी हमारी डेसिमल में आती है, सपोज अगर हमने कोई 150 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा है, तो ये डेसिमल पिक नहीं करेगा अगर आपने इसको जीरो कर दिया। तो एक बात याद रखना, जब भी आप परचेज करें कोई भी आइटम हो तो आप उसको हाँ टू डेसिमल के अंदर टाइप करके रखें, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी यूनिट क्रिएट करें तो उसके डेसिमल में आप जीरो ना डालें, यहाँ पर टू डालें। लेकिन सर अगर कोई हमारा ऐसा बिजनेस है जिसमें हम डेसिमल में काम नहीं करते, तब आप इसको जीरो रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस है जिसमें आपको जीरो डेसिमल डालना पड़ सकता है, तो उस केस में यहाँ पर टू रख के बढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टू डाल देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव करा, इसके बाद नीचे एक टॉपिक आ गया, सेट स्टैंडर्ड रेट। ये टॉपिक आप लोगों के टैली में बाय डिफॉल्ट नहीं आता, इसे आपको लाना पड़ता है। सर ये क्या टॉपिक होता है? अगर आप किसी भी आइटम का सेल प्राइस या फिर परचेज प्राइस को फिक्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसे बार बार एंटर ना करूं, एक बार मैं उस आइटम के अंदर डाल दूं और वो फिक्स हो जाए, तो उस केस के अंदर हम इस टॉपिक का यूज करते हैं। लेकिन सर अगर मुझे इसे अनेबल करना हो तो मैं कैसे अनेबल करूंगा? इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाएंगे और सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है अनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। बस आप इस टॉपिक को यस कर दें, यस करने के बाद इसको सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ एक टॉपिक है जिसका नाम है सेट स्टैंडर्ड रेट। बस आप जैसे इस टॉपिक को यस करेंगे, ये आपसे पूछेगा आपको ये कितने रुपए की कॉस्ट पर डे इसकी, तो आप कह देंगे 210 रुपए की, और आप इसे बेच कितने में रहे, सॉरी इसकी कॉस्ट थी 205 रुपए, तो आप इसकी कॉस्ट 205 रुपए डाल देंगे और जो इसका सेल प्राइस था वो 210 रुपए। इसे एंटर मार के आप सेव कर देंगे, सेव हो गया। सर आपने कितनी क्वांटिटी परचेस करी? मैंने कहा इससे मैंने 100 पीस परचेस करी 205 रुपए के रेट से। इसके बाद हमने इससे एक और आइटम परचेस करी, हमने इसे ओल्ड सी करा, यहाँ पर हमने CD2 लिख दी, ग्रुप में यहाँ पर हमने यूनिट में पीसेस डाल दिया, स्टैंडर्ड रेट हमने इसे यस करा और यहाँ पर हमने 205 इसका कॉस्ट रखा और सेलिंग प्राइस 210 डालकर हमने इसको सेल कर दिया। इसकी जो क्वांटिटी थी वो 150 थी। इसके बाद हमने एक और आइटम परचेज करी, यहाँ से हमने ऑल्ट सी दबाया, यहाँ पर हमने CD3 लिख दिया, यहाँ पर यूनिट में पीसेस टाइप किया और इंटर इंटर मार के हम आगे चले। इसके बाद हमने इसे 200 पीस परचेस करी 205 रुपए के रेट से, तो हमने यहाँ से 205 रुपए डाले। सर देखिए अब हमने एक गलती कर दी। क्या गलती करी? कि हमने उसके अंदर रेट को फिक्स नहीं करा। सर तो रेट को कैसे फिक्स करें? तो दोबारा उस आइटम पर जाएं और टैली में किसी भी चीज को मॉडिफाई करना होता है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter। तो आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से Ctrl+Enter दबा देंगे। जैसे ही आप Ctrl+Enter दबाएंगे वो टॉपिक आ जाएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट के टॉपिक को यस करें। मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड रेट को अनेबल किया। कॉस्ट 205 रुपए थी और इसका सेलिंग प्राइस 210 रुपए, वो मैंने डालकर सेव कर दिया। एंटर मारा, सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद मैंने एक और आइटम परचेज करी, ऑल्ट सी करा, यहाँ पर CD4 कर दिया, यूनिट में मैंने पीसेस डाल दिया, स्टैंडर्ड रेट को अनेबल करा, 205 रुपए और 210 रुपए मैंने इसकी यहाँ से कॉस्ट डालकर सेव कर दिया। इसे भी मैंने Ctrl+A के साथ सेव कर दिया। इसके बाद यहाँ पर 250 पीस थी, मैंने 250 डाल दी और उसके बाद मैंने लास्ट आइटम CD5 परचेज करी, यूनिट मैंने पीसेस रख दी, मैंने यहाँ से यूनिट में पीसेस डाल दिया, स्टैंडर्ड रेट को यस कर दिया, 205 और यहाँ पर 210 मैंने कॉस्टिंग डालकर सेव कर दिया। इस तरीके से मैंने एंट्री करी और यहाँ पर मैंने 300 डाल दिया और टोटल मिलाकर मैंने सुनील से 205,000 रुपए का माल उधार में परचेज कर लिया। इसके बाद आपको बस इंटर इंटर मार के सेव कर देना, ये आपका टैली वाउचर सेव हो गया। अगर आपसे किसी वाउचर में कोई गलती हो जाती, सपोज मैंने ये वाउचर अभी आपके साथ सेव किया और इसके अंदर कोई मिस्टेक होती, तो उस वाउचर को वापस लाने की शॉर्टकट की है पेजअप। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से पेजअप बटन दबाऊंगा, देखिए वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो याद रखना अगर आपने टैली में कोई बिल को
सेव कर दिया और सेव करने के बाद आपको लगता है वो गलत सेव हो गया, तो आप पेजअप बटन से उसे वापस ला सकते हैं। के बाद हमारी जो नेक्स्ट परचेज आती है वो हमने रवि से की है, तो हम यहाँ पर रवि टाइप कर देंगे। उसका जो वाउचर नंबर है वो 2 है, तो हम यहाँ पर 2 डाल देंगे। उसकी जो तारीख है वो 2 अप्रैल है, तो यहाँ पर हम 2 अप्रैल टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 अप्रैल टाइप कर दी, शॉर्टकट इसकी F2 थी, F2 डाल दिया। पार्टी बनानी है, तो पार्टी बनाने के लिए आप ऑल्ट सी दबाएंगे और पार्टी का नाम है रवि कुमार, तो आप इस तरीके से रवि कुमार टाइप कर देंगे। ग्रुप में आप संडी क्रिएटर्स टाइप कर देंगे और इसे इंटर इंटर मार के सेव कर देंगे। ये सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर परचेज चाहिए लेजर, तो आप यहाँ से परचेज लेजर टाइप कर देंगे। टैली में परचेज लेजर आपको एक बार बनाना है, बार बार नहीं बनाना होता। इसके बाद आपने जो भी आइटम इससे खरीदी वो आइटम आप यहाँ पर टाइप करनी है, तो मैंने ओल्ड सी करा, मैंने इसे DVD परचेज करी है, तो DVD 1 टाइप कर दिया। यूनिट में मैंने पीसेस ले लिया, रेट में वही हमारा कॉमन रेट था 205 रुपए और 210 रुपए, मैंने इस तरीके से टाइप करके सेव कर दिया। टोटल मैंने इसे 200 पीस खरीदी, तो 200 टाइप कर दी। फिर ऑल सी करके एक नई आइटम बनाई DVD 2, तो मैंने यहाँ से DVD डाल दी। यूनिट में मैंने पीस रखा, स्टैंडर्ड रेट को मैंने यस किया, वही रेट 205 रुपए और 210 रुपए टाइप कर दी, सेव कर दिया। यहाँ से 250 क्वांटिटी, तो 250 क्वांटिटी डाली। फिर मैंने से DVD परचेज करी 3, तो मैंने यहाँ पर DVD 3 डाल दी। यूनिट पे मैंने पीसेस डाल दिए, स्टैंडर्ड रेट को मैंने यस किया और रेट वही 205 रुपए और 210 रुपए डालकर मैंने कंट्रोल ए के साथ इसको सेव कर दिया। यहाँ पर मैंने 300 क्वांटिटी ले ली। इसके बाद मैंने ऑल्ट सी किया, यहाँ पर DVD 4 लिया, यूनिट मैंने पीस ली, स्टैंडर्ड रेट को अनेबल किया, 205 रुपए और 210 रुपए मैंने टाइप कर दिया। तो आप इस तरीके से सारी एंट्री करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 350 डाल दिया। इसके बाद मैंने ऑल्ट सी करा, यहाँ से मैंने DVD 5 लिख दिया, यूनिट में मैंने पीसेस, स्टैंडर्ड रेट को यस करा, 205 रुपए और 210 रुपए, तो मैंने ये टाइप करके सेव कर दिया और यहाँ से क्वांटिटी मैंने 400 ली। तो टोटल मिलाकर मैंने रवि कुमार से 307,500 रुपए का माल परचेज कर लिया। एक बार हम मैच कर लेते हैं 250, 300, 350 और 300, तो ये 300 था, तो मैंने यहाँ से 300 डाल दिया और टोटल मिलाकर हमने रवि कुमार से 287,000 रुपए का माल उधार में खरीद लिया। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये मेरा सेव हो जाएगा। बाकी एंट्रियां भी मैं फटाफट कर देता हूँ, उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट। Thank you.
लेकिन हमारी सारी परचेज कंप्लीट हो गई। अब परचेज कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इनकी रिपोर्ट देखना। सर, अगर हम सारी परचेज की रिपोर्ट एक साथ देखना चाहते हैं कि अब तक हमने कितने लोगों से परचेज की और हमारी टोटल कितनी परचेज हो गई, तो हम कहां से देखेंगे? उसके लिए आपको बैक करना है, आपको बैक होकर गेटवे ऑफ टैली में आना है। जब आप गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे तो सबसे नीचे आपको जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले के बाद आपको जाना है अकाउंट बुक पर, और अकाउंट बुक के बाद आपको मिलेगा लेजर। आपको यहाँ पर लेजर पे जाना है और यहाँ से टाइप कर देना है परचेज। जैसे ही आप परचेज पर टाइप करोगे तो यहाँ से आपको पार्टी का नाम, उनका अमाउंट जो भी होगा वो सब आपको दिख जाएगा। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से ओल्ड प्लस F1 दबा देंगे तो आप यहाँ से इसको डिटेल में कर लेंगे। लेकिन जब भी आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल कर देख रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि आप ये देखना कि आपकी रिपोर्ट कब से कब तक की निकली है, और अगर आपको इस रिपोर्ट पीरियड को चेंज करना है तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F2 बटन दबा दें। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F2 बटन दबाएंगे और उसके बाद जो भी आपका पीरियड हो आप वो टाइप कर देंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी। लेकिन सर, परचेज करते वक्त हमसे बहुत सारी गलतियां हो गई थी, उन गलतियों को हम कैसे रेक्टिफाई करें, अब आप हमें बताएं। मैं को एक वाउचर और एंटर करता हूं आपके सामने जिसके अंदर मैं गलतियां कर देता हूं। सबसे पहली गलती जो आप लोग स्टार्टिंग में करते हो जब आप टैली को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस केस में जब आपको पार्टी बनानी, तो सपोज मुझे एक पार्टी बनानी है अमित के नाम से, मैंने यहाँ अमित टाइप करा लेकिन मैं गलती से इसके ग्रुप में परचेज अकाउंट टाइप कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अगर आपने कभी पार्टी बनाते हुए उसके ग्रुप में गलत ग्रुप डाल दिया तो यहाँ पर वो नाम आपको शो नहीं होगा। इस केस में अब यहाँ से आप फिलहाल कोई एक नाम सर्च कर लीजिए और उसके नीचे जहाँ आपने परचेज लेजर बनाया था अब उसके अंदर अमित नाम शो हो रहा है। तो अब एक तरीका है, आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपसे कोई गलती होगी तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए कंट्रोल इंटर होता है, या आप कह सकते हैं कि टैली में मॉडिफाई करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल इंटर होती है। तो आप कंट्रोल इंटर दबाएं और इसके ग्रुप में सेंडरी क्रिएटर्स टाइप कर दें और अगेन कंट्रोल ए करके सेव कर दें। तो आप जैसे ही इसे कंट्रोल ए करके देखेंगे तो देखिए अब अमित नाम यहाँ आपको शो हो गया। तो पहली गलती होती है ग्रुप की, जो आप लोग ग्रुप सही से नहीं डालते और फिर वो लेजर आपको शो नहीं होता। एक गलती आप और करते हो, सपोज आपने यहाँ पर दोबारा मैंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम मैंने यहाँ से अनिल लग दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने परचेज अकाउंट डाल दिया और मैंने इस टॉपिक को नो कर दिया, इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड को। ये टॉपिक क्या होता है? ये टॉपिक वो होता है कि जो आप माल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, जिस जो भी उसकी कॉस्ट हो वो एक्चुअल इफेक्ट करे, ठीक है? तो आपने इस टॉपिक को नो कर दिया। ये टॉपिक नो हो जाने के बाद अब ना ही वो अमित आप अनिल यहाँ पर आपको शो करेगा और ना ही वो अनिल आपको नीचे शो करेगा। तो उस केस में अगर आपने उस टॉपिक को नो कर दिया, ठीक है, अगर आपने ग्रुप परचेज डाला और उस टॉपिक को नो कर दिया तो वो टॉपिक अनेबल नहीं होगा। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, उसके बाद अकाउंट इन्फो पर, लेजर पर, अल्टर पे, और यहाँ से आपको अनिल खोलना है। तो ये अगर आप गलती कर देते हो तो फिलहाल यहीं से आके आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप इसे यस कर दें और इसे सेव कर दें, और इसका आपका ग्रुप गलत है तो यहाँ से आप डायरेक्ट ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है परचेज में गलती का। कई बार जब तुम ओल्ड सी करके परचेज अकाउंट बनाते हो तो परचेज अकाउंट बनाते वक्त आप लोग यहाँ ग्रुप में तो परचेज सही डालते हो लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड को नो कर देते हो। इसे आपको नो नहीं करना, आपको इसे यस ही रखना। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है परचेज में गलती का। कई बार जब तुम ओल्ड सी करके परचेज अकाउंट बनाते हो तो परचेज अकाउंट बनाते वक्त आप लोग यहाँ ग्रुप में तो परचेज सही डालते हो लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड को नो कर देते हो। इसे आपको नो नहीं करना, आपको इसे यस ही रखना। अगर आपने इसे गलती से नो रहने दिया तो ये वाउचर लेजर वहाँ शो नहीं करेगा और फिर आपको काफी इश्यू होगा। तो उस केस में आप क्या करें कि इस टॉपिक को ध्यान से यस कर दें, अदरवाइज काफी दिक्कत हो सकती है। मैंने इस टॉपिक को यस रखा, यस रखने के बाद यहाँ पर परचेज अकाउंट टाइप कर दिया और आगे बढ़ गया।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो आप आइटमों में गलती करते हो। सर हम क्या गलती करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक आइटम बनाया और आइटम का नाम डाल दिया आइटम वन। आइटम वन डालने के बाद अब आपने यहाँ से क्या करा, ग्रुप तो इसका प्राइमरी रखा लेकिन यूनिट के अंदर नॉट एप्लीकेबल कर दिया। और अगर आप इसे नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर देंगे तो ये क्या होगा, टैली में अब आपका कल्सर ना तो क्वांटिटी पर रुकेगा और ना ही आपका कल्सर रेट पर रुकेगा, कि डायरेक्ट जो कल्सर होगा वो आपका अमाउंट पर रुकेगा। इस केस के अंदर हम क्या करें, अगर सर हम ये ऐसी गलती कर देते तो उस केस के अंदर आपको अगेन कंट्रोल इंटर मारना है और यूनिट के अंदर जाकर जो भी आपकी यूनिट होगी, अगर आपकी यूनिट पीस में तो आपको पीस डाल देनी, अगर आपकी यूनिट मीटर है तो आप उसको मीटर डाल देनी, जो भी आपकी यूनिट हो वो डाल दो और उसके बाद से कंट्रोल ए के साथ सेव कर दो। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसके बाद ये पिक हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, मान लो ये आइटम मैंने गलती से एक बार और टाइप कर दिया, अब ये आइटम मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैंने गलती से एक्स्ट्रा आइटम टाइप कर दी या मुझसे टाइप हो गई, अब मैं इस आइटम को रिमूव करना चाहता हूं, तो आप एंटर मारें और यहां से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डिलीट बटन दबा दें। तो जैसे आप कंट्रोल डिलीट बटन दबाएंगे वो आइटम यहां से रिमूव हो जाएगी और आप आगे जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपके एंट्री करते वक्त कोई एक्स्ट्रा लाइन आ जाती है जिसको आपको हटाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी, इसलिए आप इसे दबाएं और वो आपकी जो एक्स्ट्रा आइटम होगी वो रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से आप टैली के अंदर अगर आप काम करेंगे, जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आगे जब आप टैली की परचेज की एंट्री करें या सेल की एंट्री करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप मैंने अपनी तरफ से आपके परचेज के रिगार्डिंग हर एक पॉइंट को कवर करा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उस कमेंट का आंसर जरूर। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।